Good morning, students. Myself Tulsi Sharma, EBS teacher. So, आज का जो वीडियो है ये क्लास सेकंड के लिए, ओके स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड का है. चैप्टर नंबर 1 दैट इज हाउ माय बॉडी वर्क्स. बट स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, सबसे पहले आपको एक बात बतानी है कि सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि आप अपनी जो बुक्स हैं इसे जल्द से जल्द खरीदिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इसी के बेसिस पर है और आपको होमवर्क भी इसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा और क्लासेस जो है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी अब. ठीक है, तो आप जल्द से जल्द प्लीज़ बुक्स को खरीदिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए. ओके स्टूडेंट्स, अब जिन्होंने बुक्स खरीद ली हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों ने खरीद ली हैं, तो टेक आउट योर पेज नंबर 1 हाउ माय बॉडी वर्क्स. ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप फ्रंट पेज देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. ठीक है, और आपको ये फिलअप करना है. इसे हम बाद में देखेंगे, बट स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं, इसे हम बाद में फिलअप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्ट सीइंग दिस पेज नंबर 1. अब वो बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स उसमें होते हैं, जैसे कि आई होती है, नोज होते हैं, फिंगर्स होती है, हमारा एल्बो है, लेग है, हैंड है. तो ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और इनका हर एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे जो पार्ट्स हैं उनका अलग अलग डिफरेंट एक टास्क होता है. ठीक है, आँख से हम सुन नहीं सकते, आँख से हम सिर्फ देख सकते हैं, करेक्ट. कान से हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ उससे सुन सकते हैं. तो हर एक मतलब हर एक जो एक पार्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी में उसका एक अलग डिफरेंट टास्क होता है. ओके, सो वी कैन सी सम अवर बॉडी पार्ट्स लाइक हेड. अब जो हेड है, ठीक है, हमारे जो हेड है, हेड, नेक, सीधे स्टूडेंट्स, जो हमारा जो हेड है, जो हेड होता है, नेक, गर्दन होती है, चेस्ट, लेग, पैर, हैंड, फिंगर, तो ये जो क्या होते हैं, ये सारे हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स यानी जो हमारे बाहरी अंग होते हैं. ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आप और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स होते हैं.
आपका होमवर्क है कि आप इसे घर पर रिवीजन करोगे कि हमारे सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको आज इतना समझ आ गया हो। घर पे इसका रिवीजन कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।